दो साल में यही निष्कर्ष है, ये सरकार विफल है। और क्राइम के जो है आप स्वयं देख सकते हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं, पंजाब के साथ आप कंपेयर करें, मर्डर हमारे यहाँ 1143 हुए हैं, पंजाब में 757। पंजाब हमारी बड़ी स्टेट है। और आपकी डाउरी डेथ हमारे यहाँ 251 हुई है, पंजाब में 63। इसी प्रकार किडनैपिंग 2949 हमारे यहाँ हुई है, 1399 पंजाब में हुई। रेप में तो रेप वो बन गया, 1373 रेप केसेस हमारे यहाँ हुए, पंजाब में 502, मतलब 3 गुना पंजाब से ज्यादा। इसी प्रकार से क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमारे यहाँ 13,000 और पंजाब में कुल 4,838, मतलब 3 गुना। इसी प्रकार क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन यहाँ हमारे यहाँ 4,338 और पंजाब में 2,121। क्राइम अगेंस्ट SC ST हमारे यहाँ 1,210, पंजाब में 162। देयर इज नो कंपैरिजन। साइबर क्राइम हमारे यहाँ 656, पंजाब में 378। और इसमें क्राइम उसमें हरियाणा पूरे देश में 4th नंबर पे है क्राइम रेट में, 41 पर लैक, मतलब एवरेज। इसी प्रकार 3 या 4 मर्डर रोज होते हैं। सेकंड पोजीशन है हरियाणा की मर्डर रेट में, हरियाणा पूरे देश में झारखंड के बाद हरियाणा है, मतलब 3.9% पर लैक। वहाँ के जो सब्जी मंडी के आरती हैं सब इस बात से परेशान हैं और महंगाई बढ़ाने का काम मतलब कर रहे हैं। पिछली बार जो मुद्दे उठे थे पेपर लीक कर, आज खुलासा हुआ अखबार में थोड़े दिन पहले कि ये अब जब वो नहीं, फरवरी 2020 में जो LDC का हुआ था वो भी पेपर लीक हुआ, रेवाड़ी में FIR भी दर्ज हुई है 10 से। इसका मैंने क्या है, जब एक बात हमने कही है भाई ये सारी इंक्वायरी CBI को दे दो, क्यों संकोच कर रही है सरकार CBI को देने में, क्यों कहीं ना कहीं दाल में कौड़ा है, किसको बचाना चाहते है ये सरकार, किसी ना किसी को संरक्षण दे रखा है या संरक्षण देना चाहती है, नहीं तो कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा गंभीर मामला है, लोगों के जो युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया है। आप आज शहरों में जाओ, CBI आए की इंक्वायरी होगी तो हर जिले में जाएंगे, वो पूछेंगे, सबसे इनवाइट करेंगे भाई कि आप किसी वहाँ जाओ, शहर में बहुत सारे लोग मिलेंगे ये मैंने 8 लाख दे दिए, कोई 10 लाख, मतलब परचून की तरह नौकरियाँ बिकती हैं। जो मैंने कहा ना लक्की और करोड़ी पैदा कर दी सरकार ने, लक्की करोड़ी लाख और करोड़ से बात कभी नहीं, पेपर लीक के करोड़ और पेपर करने के लकी। फिर कहते पेपर लीक और नकल एक अलग चीज है, ये तो 2020 का पेपर लीक के बाद है, 2 दर्जन से फालतू पेपर लीक हो चुके होंगे, कोई भी इनका पूरा हो नहीं पाता। इसी प्रकार से हमने लैंड एक्विजिशन के बारे में गवर्नर साहब को वो दिया था हमने, जो किसान विरोधी है, तो सेंट्रल एक्ट के भी विरोध है, विरोध में है, और किसी प्रदेश है पंजाब में या किसी ने नहीं किया, जो किसान जहाँ किसानों की सरकार है ये उनको उसको वापस देना चाहिए, इन्होंने लिया। इसी प्रकार से BBMB का अब तक कोई मेंबर ही नहीं बना हरियाणा का, ये और क्राइम रेट का। और इसी प्रकार से हमने मांग की थी जब असेंबली में कहा, सरकार ने आश्वासन दिया, पहले तो ये कहा कि कोरोना से ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई, जब हमने मांग रखी तो हमारे पास हाई लेवल कमेटी बनाएंगे, उसकी जांच करेंगे, तो वो अब तक कमेटी नहीं बनी है, ये आपके सामने है। इसी प्रकार जो है सरकार के कि वो विपक्ष
आपके समक्ष कार्यक्रम लेके जाएगा पूरे हरियाणा में, उसकी मैं आपको तारीख बाद में बता दूंगा आपका। क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी पे खर्चा बढ़ रहा है, अखबार में मेरे पढ़ा था 2,000 रुपया प्रति माह रसोई खर्च बढ़ गया गरीब आदमी का। तो इस प्रकार से डीजल का है, हर वर्ग जो है महंगाई से परेशान है इस प्रकार। अब किसान की तो बदहाली हुई हुई है, किसान और मजदूर की तो, मजदूरों का तो यहाँ तक है कि जो मनरेगा के 3 लाख के करीब मजदूर हैं, जो मनरेगा की मजदूरी करते हैं, उनको 2 महीने के पेमेंट ही नहीं हुई, जबकि 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट उनकी मजदूरी चली जानी चाहिए, 80 करोड़ रुपए के करीब बकाया है। इसी प्रकार से किसान का नारायणगढ़ मिल का, शुगर मिल का, जो कि बंद कर दी इन्होंने, 105 करोड़ रुपया किसान का बकाया है। और धान, धान की इतनी बदहाली हुई है कि PR 14 जिसका भाव जो है, आज कल मंडी से मैंने मंगाया, पता किया था 1581 पर क्विंटल बिका है, जबकि उसका MSP जो होगा वो 1980 है। सरकार लेना खरीद शुरू कर रही आगे से, लेकिन मंडी में आया हुआ है, वहां तो लुटाई हो रही है किसान की। जब भी कभी कह देते हैं भाई धान की हम खरीद 25 सितंबर से करेंगे, अब कह रहे हैं 1 अक्टूबर से करेंगे। इतनी बारिश हो रही है, किसान की धान खेत में भी और मंडियों में भी बर्बाद हो रहा है, उसका कोई वो मुआवजा नहीं दिया जा रहा। और जितनी ये बारिश जो है, आप आज भी बारिश है, पूरे हरियाणा में बहुत बारिश है, एक्सेस ऑफ रेन से जो जल भराव हुआ है खेतों में, सड़कों पे, शहरों में, उसकी कोई बस्तियों में कोई निकासी का वो नहीं कि उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, सब चौक पड़ा मामला और आवागमन, और उसमें बड़ी परेशानी हो रही है। और जो आपकी फसल है, जो कपास है, मूंग है, ग्वार है, बाजरा है, उनका बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। कपास तो बर्बाद ही हो गई, तो फौरन गिरदावरी करके उसका करें, और धान का खेत में भी जैसे नुकसान हो रहा है मंडियों में, उसकी तुरंत खरीद शुरू करनी चाहिए इनको। इसी प्रकार से आपका अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि CMII की जो रिपोर्ट आई है वो 35.7 हाईएस्ट इन द कंट्री। अब ये कहते उस रिपोर्ट को नहीं मानते, अरे 2019 में तो सब ये रिपोर्ट वैलिड थी, JJP का उनका बयान है उस पर रिलाई किया, आज वो रिपोर्ट बदल गई। मतलब इस प्रकार से दोहरा स्टैंड कैसे है, जबकि CMII की रिपोर्ट एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है, रिलायबल रिपोर्ट है, पूरा देश मानता है इसको। और ये नहीं है कि थोड़े से आदमी से किए हैं, हर वर्ग की वो करके सर्वे करके जब उसकी रिपोर्ट आई है, पूरा अखबार में उसका वो भी आया, मेरा भी आया, कितने आदमियों ने हरियाणा में सर्वे किया है, यानी ये सब पूरा